जिसको लगता है कि पॉलिटिक्स करके अलायंस करके बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, इसके संग ये पार्टी के संग अलायंस करो, वो पार्टी के संग अलायंस करो, इस पार्टी के संग अलायंस करके त्रिपैसा का सोल्यूशन मिल जाएगा ना, वो गलत फहमी में रह रहा है। आप लोग, हमने नोटिस किया है पिछले 2-3 महीने में, कोई आके मुझसे पूछता है सीपीएम के संग जाओ, कोई आके बोलता है कांग्रेस के संग जाओ, कोई आके बोलता है बीजेपी के संग जाओ, कोई बोलता है तृणमूल के संग जाओ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कभी अकेला नहीं फाइट कर सकते क्या, कि हमें पैसा का इतना लालच है कि बीजेपी या सीपीएम या कांग्रेस से अलायंस करके थोड़ा पैसा ले ले और अपना तिपरासा एरियाज में फाइट नहीं करे। हम लोग इतना बिक गए हैं क्या? मैं बुबागरा बोल रहा हूँ और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वॉइस मैसेज देना इम्पोर्टेंट था, कि हम लोगों का वफादारी दफा के संग होना चाहिए। हम लोग क्या एक बार अकेला नहीं लड़ सकते? हमको क्या इतना पैसा का दरकार है कि अलायंस कर ले, थोड़ा पैसा लेकर सीट किसी और को दे दे? कभी तो सोचो तिपरासा के बारे, लीडर लोग। कभी तो पॉलिटिक्स को पीछे रखो और जाति को सामने रखो और दफा के लिए एक बार फाइट करो। विलेज काउंसिल जीतो, असेंबली जीतो, हिंदुस्तान खुद ब खुद आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देगा। एक बार अपने दफा के लिए फाइट कर लो। 70 साल से कॉम्प्रोमाइज करते करते, पैसा लेकर सीट देते देते आज हम लोग कहीं के नहीं रह चुके हैं। 2026 में फिर से डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ना मिलेगा पैसा, ना मिलेगा पोस्ट, ना रहेगा तिपरासा, ना रहेगा ग्रेटर तिपरालैंड। एक बार अपने दफा को लिए फाइट करो। पब्लिक हमारे साथ है, विश्वास पब्लिक हमारे संग करती है। पॉलिटिक्स को छोड़ो और पार्टी को जोड़ो, दफा को जोड़ो, ग्रुपिज्म बंद करो और दफा को एक करके, जीएमपी हो, जनजाति हो, मोथा हो, आईपीएफटी हो, सब एक हो, और एक बार विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दफा के लिए फाइट करो।